जाग रहे हो या आप कभी कभार ये कर रहे हो तो अलग चीज है, लेकिन जब भी आप कलर ट्रीटमेंट लगा रहे हो ट्राई टू डू इट इन अ डे टाइम। ऑफ कोर्स आपको रात को सोना है तो ये तकलीफ बीमारी आपकी कौन सी है, रात वाली है, यहाँ पे आपको रात को ही लगाएंगे। रात में भी कलर ट्रीटमेंट्स काम करती हैं, नहीं करती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन डे टाइम में रात से ज्यादा अच्छी काम करती है। ठीक है यस सर, गॉट इट, थैंक यू। जी। स्मिता जी, स्मिता पाटिल जी, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आपका कैमरा बंद कीजिए मैम, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर का जो है काफी एरिया कवर्ड हो रहा है, उससे मुझे ऑप्शंस काफी नहीं दिख रहे, तो बाई ही रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में रिकॉर्डिंग के साथ ही ये सबको सप्लाई होगा, तो पता नहीं शायद आपको आवाज जा रही नहीं जा रही है, क्योंकि आपका अभी ऑडियो कनेक्टिंग ही दिखा रहा है, शायद वाईफाई का कुछ तकलीफ होगी, सॉरी नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बहरहाल कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वाला क्या है, और एक अनिद्रा का क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ये कहाँ पे लगा हुआ है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर कहाँ पे लगाया हुआ है, ये गॉल ब्लैडर के करस्पॉन्डस पे लगाया हुआ है ब्लैक कलर। ठीक है, अगर आपको आपके हाथ पे देखना है ये कहाँ लगाना है तो मुट्ठी को ऐसे बंद कीजिए, जहां पे आपका ये जो स्मॉल फिंगर आती है, ठीक है, मुट्ठी को इजीली बंद कीजिए, जहां पे आपकी स्मॉल फिंगर आ रही है, सॉरी जहां पे आपकी स्मॉल फिंगर आ रही है वहां पे आपको क्या करना है, ब्लैक कलर लगाना है। ठीक है, ये आपके गॉल ब्लैडर करस्पॉन्डस पे है ब्लैक कलर, तो जो लोग लिख रहे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, ब्लैक कलर ऑन गॉल ब्लैडर करस्पॉन्डस, इस चीज के लिए इंसोमेनिया, नींद ना आने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अति निद्रा। हाँ, ये बहुत सुंदर पॉइंट है, अरे स्पेशली उन लोगों के लिए पॉइंट है, ये स्पेशली उन माओं के लिए पॉइंट है जिनको हमेशा शिकायत होती है कि जैसे ही बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं या पढ़ाने बैठते हैं तो सोने लगते हैं, या हमारे साथ भी बहुत बार होता है जब हम लोग क्लास में होते हैं, हमने बहुत बार नोटिस किया है, यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं पीछे कोई तो अपना आराम से सो रहा है। तो ये अभी ऑफलाइन क्लासेस में ये बहुत देखने को मिलता है, एक्चुअल क्लासेस में, फेस टू फेस क्लासेस में, यहाँ पे तो पता भी नहीं किसी ने चालू रखा होगा और सो रहे हैं आराम से, माइक बंद है, कैमरा बंद है, तो हमको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीके की बीमारी होती है। ठीक है, इसमें भी ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत बार आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो जहां कहीं पे भी होंगे वो आपके साथ ट्रेन में बैठे हैं, खड़े हैं, वो लगाओ क्यू में गए, वहां पे भी खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं, तो ऐसा जो है ये काफी बार आपको देखने को मिलता है। तो इन सारी चीजों में क्या करना है, सिंपल सा ये है, आपको आपके बोथ इंडेक्स फिंगर पे, बोथ इंडेक्स फिंगर पे ये ऊपर वाला जॉइंट है, सॉरी बोथ इंडेक्स फिंगर नहीं, यहाँ पे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का ये ऊपर वाला जॉइंट है, मैं हरा कलर हटा देता हूँ, तो उस जॉइंट पे आपको क्या करना है, ऑरेंज कलर लगाना है। ये क्या है, ऑरेंज कलर है, इस ऑरेंज कलर से क्या करना है, आपको वहां पे एक रिंग बनानी है। अब ये रिंग कैसे बनानी है, यहाँ आगे से शुरू करना है, यहां से लगाते हुए पीछे से लगाते हुए पूरा, जैसे अंगूठी होती है आपकी, पूरा इस पे क्या करना है, इस पे ऑरेंज कलर लगा लेना है, लेफ्ट हैंड ही काफी हो जाता है, ये बच्चों को भी यूज कर सकते हो आप, जिनको स्पेशली आपने बिठा दिया पढ़ाई के लिए और वो सोने लगा, खेलने के लिए बोल दो खेलेंगे, अब इससे आप टेस्ट भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो बच्चों को सच में नींद आ रही है या नाटक कर रहे हैं, अगर इसको लगाने के बाद भी उसको नींद आ रही है तो समझ लो पढ़ाई नहीं करना चाहता। ठीक है, जितने भी लोग हैं जब जिनको भी ये डर लगता है कि मैं क्लासरूम में जाके बैठूंगा और मुझे नींद आने लगेगी, हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, ये कलर लगाना जरूरी है। अब इसके साथ में और एक कौन सी चीज जरूरी होती है, इसके साथ में और एक इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ये आपको ऑरेंज लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में लगाना है। हाँ ऑरेंज लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट में, जैसे आपको यहाँ पे ड्रॉइंग हाँ दिखाया हुआ है हाँ ये, देखा हाँ देखा वहां पे रिंग निकालनी है पूरी, आगे से पीछे की तरफ ये पूरी रिंग होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, ये किस लिए है, अनिद्रा के लिए है, इसके पहले वाला क्या देखा हमने, इंसोमेनिया का देखा, हाँ सॉरी ये अनिद्रा का था,
जो इंसोमेनिया का हमने देखा, ये कौन सा है? हाइपरसोमेनिया है। हाइपरसोमेनिया मतलब क्या? अति निद्रा, अति निद्रा। खड़ा है, बैठा है, कहीं पे भी है, टॉयलेट में गया सो गया, नहाने गया सो गया, जहां जगह मिली बैठे सो लिए, तो ये क्या हो गया? ये अति निद्रा वाला हो गया। पढ़ने बैठ रहे हैं दिन भर, कुछ ये नहीं है, जैसे बुक साथ में ले लेंगे, नींद आने लगेगी तो फिर ऑरेंज कलर लगेगा, ऑरेंज कलर लगेगा तो क्या होगा? नींद भाग जाएगी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है, ये बहुत ही यूजफुल है। एसी कूलिंग पॉइंट है आपका, गर्मियों में जो सनस्ट्रोक हो जाता है, सनस्ट्रोक के वजह से होने वाली दिक्कत है, सनस्ट्रोक के वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स, सनस्ट्रोक की वजह से होने वाली दिक्कत है, सनस्ट्रोक की वजह से होने वाला प्रॉब्लम। तो उस इसमें क्या करना है आपको? बोथ थंब पे, यहाँ पे दोनों अंगूठे दिखाए हैं, बोथ थंब। सॉरी, एक बार पहले का वो दिखाइए ना स्क्रीन, आप रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि सारा कवर करना है, अभी बहुत स्लाइड्स बची है, 28 स्लाइड्स है मेरे पास। तो इसमें जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपके ग्रुप्स में, चिंता मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको? ब्लैक ग्रीन कलर लगाना है, बोथ थंब पे ग्रीन कलर लगाना है। किस लिए? सनस्ट्रोक के लिए। सनस्ट्रोक कब होगा? जब आप घर के बाहर निकलोगे, गर्मियों में घर में बैठे हो तो सनस्ट्रोक की ट्रीटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बाहर निकल रहे हो, जिनको भी सनस्ट्रोक की तकलीफ हो जाती है, हल्के से सनलाइट से हो या कड़ी से हो, आजकल जैसे हमारी ग्लोबल वार्मिंग, टैटू का ना थोड़ा सा मार्क ऐसे रहता है, पूरा नहीं जाता है, जैसे ये देखो, एक मिनट। तो उस इसमें क्या करना है आपको? यहाँ ग्रीन कलर अप्लाई कर लेना है बोथ साइड में। ठीक है, तो जो भी आप बाहर निकलते हो, बाहर निकलने में जो भी आपको सनस्ट्रोक की वजह से होने वाली तकलीफें हैं, वो सारी यहाँ पे नहीं होंगी। अब ये नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये वाला कौन सा है? जो अभी हमने देखा था, हाथ पे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको ग्रीन डॉट, बराबर है, जहाँ पे हमने चक्रम एडेट सीडेट करके लगाया था, वहीं पे हमने ये ग्रीन डॉट देखा था। उसी ग्रीन डॉट पे लगाने पे क्या क्या होता है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिए क्या है ये। जी मचलना या उल्टी आना, वोमिटिंग जैसा हो रहा है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है सारी यहाँ पे होंगी। ठीक है, बेचैनी हो रही है, यहीं पे लगेगी। छाती में जलन हो रहा है, यहीं पे ग्रीन डॉट आएगा। गैसेस की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, हेयर फॉल्स हो रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन डॉट लगेगा। कहाँ पे? यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे। कैसे मेजर करना है वो भी आपको बताया मैंने। स्लीपनेस, अनिद्रा हो रही है, तो उस इसमें भी यहाँ पे आप ग्रीन डॉट लगा सकते हैं। कैसे मेजर करना है वापिस एक बार बता देता हूँ। हाथ को सीधा रखना है, आपकी रिंग फिंगर जो है, रिंग फिंगर को क्या करना है? इजीली फोल्ड करना है, और इजीली फोल्ड करके ये जहां पे टच होती है वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये ग्रीन डॉट लगा देना है। ठीक है, अभी आपको ये आर पार दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन डॉट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ग्रीन डॉट लगाना है, क्योंकि वहां पे ग्रीन लगा हुआ है इसलिए वो आर पार दिख रहा है। चलिए, ये भी हमने देख लिया, हाई बीपी लो बीपी के लिए क्या है। लेफ्ट थंब पे हाई बीपी के लिए कौन सा कलर लगेगा? ब्लू कलर लगेगा फॉर हाई बीपी, रेड कलर लगेगा फॉर लो बीपी। लोकेशन वही है, सेम है, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट थंब है, नाखून के ठीक नीचे एक बड़ा सा डॉट निकालना है। लो बीपी के लिए ब्लू, हाई बीपी के लिए रेड, इसको अच्छे से याद ही कर लीजिए। ठीक है, ये भी देखा हमने स्टेज फियर का, काफी अच्छा देखा। ये जो है ये बच्चों में आप काफी अच्छे से इसको यूज कर सकते हो, जो बच्चे थोड़ा घुलने मिलने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं, लोगों से ज्यादा बाहर जाना चाहते हैं, नहीं बात नहीं करना चाहते, या जो थोड़ा सा सोशल होने से थोड़ा डरते हैं बच्चे, अकेले अकेले रहना ज्यादा ये करते हैं, या स्टेज फियर है, चार लोग घर में बहुत बोलेगा, चार लोगों में खड़े होकर बहुत बात करेंगे, दोस्तों के आगे तो बहुत ये करेंगे, लेकिन जैसे आप स्टेज पे चढ़ा दोगे तो
वो एकदम नर्वस हो जाते हैं। ये काफी चिंताजनक सिचुएशन होती है। स्टेज फियर नहीं होना चाहिए। अपनी बात लोगों के सामने रखना, अपनी बात लोगों के सामने बोलना, उसको लोगों के सामने जाहिर करना, उसमें किसी भी तरीके का आपको डर नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी ये होता है तो उस इसमें क्या करेंगे, वापिस लेफ्ट हैंड पे आएंगे, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर के बगल में लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, उस पे क्या करना है, ठीक नाखून के नीचे वहां पे क्या करेंगे, ऑरेंज कलर लगाएंगे फॉर स्टेज फियर। ऑरेंज कलर लगाना है आपको, आपको स्टेज पे जाना है, कुछ बोलना है, कुछ डिलीवरी देनी है, तो क्या करेंगे, उससे एक आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले आप क्या कर लीजिए, इस एक पॉइंट को वहां पे लगा लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेज फियर के लिए नारंगी कलर। चलिए, अब ये सिस्टम कैसे काम करती है, या हमारे शरीर पे, हमारे बॉडी पे ये सिस्टम कैसे काम करती है, इसके बारे में थोड़ा अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तो देखे हमने, कलर क्या होता है, लगा दिया, कैसे किया, क्या किया, ये सब तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं हम, लेकिन ये चीज काम कैसे करती है इसे भी देखेंगे। अजीब बदतमीज लोग होते हैं यार, कॉल कट कर दिया फिर भी क्यों लगा रहे हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी, एक मिनट जरा, शायद कुछ इमरजेंसी हो सकती है किसी की। हेलो हेलो, हाँ बोलिए जी। सर मैं क्लास में हूँ, कौन बोल रहा है, थोड़ा फटाफट बोलेंगे। मैं सोमेश ही बोल रहा हूँ, मैं क्लास में हूँ, आपका दोबारा कॉल आया इसलिए मैं उठाया, कुछ अर्जेंट बात है तो हम बात करते हैं, अदरवाइज मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर सकता हूँ। हाँ तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ सर, मैं अभी क्लास में हूँ। थैंक यू सो मच। जब ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आपका कॉल एक बार किसी व्यक्ति ने कट कर दिया है और आपको मैसेज भेज दिया है, आई विल टॉक टू यू लेटर, आई विल कॉल यू बैक, सो प्लीज अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ओके, मैं ऐसे कॉल नहीं उठाता हूँ क्लास में, लेकिन काफी बार पेशेंट्स की इमरजेंसी होती है, जैसे अभी के हालात है, कोरोना के हालात चल रहे हैं, दिन भर में दो चार इमरजेंसी कॉल्स आते हैं जिनको अटेंड करना पड़ता है, सर्दी बुखार वाले कॉल्स नहीं अटेंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको सिखा देते हैं, आप लोग खुद उनको अटेंड करवा सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बैक टू सब्जेक्ट। ओके, अब कैसे काम करते हैं ये बिंदु, कैसे काम करते हैं, साइंटिफिक तरीका क्या है, व्हाट आर द साइंटिफिक रीजंस क्या है उसके पीछे में, किस साइंस पे बेस करता है ये, कि हाउ दिस ऑल थिंग्स वर्क। तो इसे क्या कहते हैं, इसे करस्पॉन्डर सिस्टम कहते हैं, इसे करस्पॉन्डर सिस्टम कहते हैं हम, इसे तुल्यार्थता कहते हैं। क्या होता है तुल्यार्थता, क्या होता है तुल्यार्थता, मतलब क्या होता है, एक चीज की तुलना दूसरे चीज से करना। स्मिता जी, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपका कैमरा चालू है, प्लीज बंद कर लीजिए। मैंने काफी बार आपको रिक्वेस्ट की, लेकिन आपका कैमरा चालू है मैम, प्लीज बंद कर लीजिए। मुझे मुझे पता नहीं आपको आवाज जा रही क्या नहीं, लेकिन आप, सर उनको शायद आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया तो उनको नहीं जा रहा आवाज। हाँ तो अगर किसी के कॉन्टेक्ट में है वो, तो प्लीज उनको कॉल करके बोल दीजिए, क्योंकि उनका वो शायद ब्यूटी सैलून में बैठी है और वहाँ का पूरा मेरे स्क्रीन, ब्यूटी सैलून में बैठी है वो। हाँ, ये आपको नहीं दिख, मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग में जाएगा, उसे मैं करती हूँ कॉल। हाँ प्लीज प्लीज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता कि आपके कोई भी प्राइवेट ये ऐसे इसमें ये हो। सो द नेक्स्ट वन हम ये देखेंगे। हाँ हट गया, हट गया, बंद कर दिया उन्होंने, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो करस्पॉन्डर सिस्टम, हाउ द करस्पॉन्डर सिस्टम वर्क, क्या है तुल्यार्थता, तुल्यार्थता काम कैसे करती है, कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी पूरी बॉडी इस एक छोटे हाथ पे करस्पॉन्ड होती है, और इस छोटे से एक हाथ पर हम ट्रीटमेंट करके कैसे हम पूरे अपने शरीर के अंदर आई हुई बीमारियों को कैसे बैलेंस कैसे है, कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उसका उपचार किया जाता है, तो सिंपल सा है। अब इसमें तुल्यार्थता जो शब्द है, ये तुल्यार्थता काफी बार हमने की है, हम रोज करते हैं, हमने सुना भी होगा, लेकिन बहुत कम समय ऐसा होता है कि हम इसका यूज करते हैं या अंडरस्टैंड करने की हम इसको कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो इसमें हम इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट सी, एक एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम है, बहुत आसान से एग्जांपल है। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, जब ये बच्चा पैदा होता है हमारे घर में तो सारे मेहमानों की भीड़ लग जाती है, काका मामी फूआ दादी सब लोग जमा हो जाता है, सारे रिलेटिव्स आ जाएंगे, फ्रेंड्स आ जाएंगे, तो वहां पे सबसे कॉमन चीज क्या होती है? जिसके पास बोलने के लिए होगा तो भी, और जिसके पास बोलने के लिए नहीं होगा तो भी, तो क्या बात करते हैं, क्या सबसे पहले क्या चीज आती है? जो बॉर्न बेबी है, जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसकी उसका कंपैरिजन स्टार्ट होता है, उसकी तुलना स्टार्ट होती है, उसको करस्पॉन्ड किया जाता है उसके मॉम और डैड से। अरे नाक तो माँ जैसी है, अरे आंख तो माँ जैसी है, कान बाप के जैसा हो गया है, रंग बाप के जैसा हो गया है, हाथ देखो दादा जैसे है, मुंह देखो नानी जैसा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं हम उनसे उन बच्चों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मैं जब बाहर निकलता हूँ लोग मुझे देख के बताते हैं कि अरे ये आरडी तिवारी जी का लड़का है। मेरा बेटा जब बाहर निकलेगा तो उसको लोग देख के बताएंगे अरे ये तो सोमेश का लड़का है। उसका बेटा जब बाहर निकलेगा तो उसको देख के बेटा ये बताएंगे अरे ये उनकी, अब बेटा बेटा नहीं उसकी बेटी, या आपको देख के तुरंत लोग बता देते अरे तो आप अब आपके नाना जी के गांव कभी नहीं गए हो, फर्स्ट टाइम वंस इन अ ब्लू मून आप वहां पे पहुंचते हो, और आस पड़ोस के लोग जिनके आपके माँ से काफी अच्छे कॉन्टेक्ट थे, रिलेशन थे, वो लोग तुरंत आपको देखते ही पूछते अरे तू उसका बेटा है क्या, तू उसकी बेटी है क्या, ये कैसे होता है? दिस इज कॉल्ड द तुल्यार्थता। उन्होंने उस तुल्यार्थता को यूज किया, उन्होंने उस प्रिंसिपल को यूज किया जिसे हम करस्पॉन्डेंस या तुल्यार्थता कहते हैं, और इस सिस्टम को जब उन्होंने यूज किया तो इन्होंने आपके दोनों में का डिफरेंस देखा, तो डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। तो क्या ज्यादा होता है यहाँ पे, आपके दोनों में का जो साम्य होता है, जो चीजें सेम होती है वो ज्यादा दिखती है, हैबिट्स सेम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि बीमारियां जो है अनुवांशिक नहीं होती है। मेरे माता पिता की हैबिट्स अगर मुझ में होंगी तो डेफिनेटली उनकी जो बीमारियां हैं मुझ में होंगी। आगे हम देखेंगे इन चीजों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लॉजिक है, एक सिंपल सा सूत्र है, जो ब्रह्मांड में है वो आपकी इस पिंड में है, जो आपकी इस पिंड रूप स्वरूप शरीर में है वो आपके इस हाथ पे करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांड तच पिंड, तो ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, जो भी चीजें आपको ब्रह्मांड में मिलती हैं वो सारी की सारी चीजें आपको आपके इस शरीर के अंदर भी मिलती है। ठीक है, ये मेरा अपना नहीं है, ये आपके जो वेद हैं जो 5000 सालों से लिखे गए हैं, ये उन सब चीजों में से दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो वो क्या होता है, जैसे बाहर क्लाइमेट चेंज होगा तुरंत आपके बॉडी का क्लाइमेट भी उसके हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो अभी इसी के लिए फॉर एन एग्जाम्पल और एक हम छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ये कैसे काम करता है, ये चीज काम कैसे करती है। अपने घर में आप टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, एसीज लाते हैं, अब बड़े से बड़े महंगा से महंगा एसी ले आओ या आप टीवी ले आओ, एक बहुत बड़ा टीवी ले आओ, एक बहुत बड़ी कंपनी का, सारी फीचर्स सारे फैसिलिटीज वाला, मोस्ट अपग्रेडेड आप फीचर वाला आप लेते आओ और उसको आप घर में लगा लो, उसको आप घर में लगा लो, और आप अगर उसका रिमोट काम नहीं करता है या उसको आपको यूज करना है या उसे आप चलाना है तो उसका एक रिमोट होता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि महंगे से महंगे टीवी के साथ या बड़े से बड़े एसी के साथ रिमोट कंट्रोल कितने आते हैं? एक रिमोट कंट्रोल आता है, कहीं पे भी आपको किसी भी टीवी के और किसी की चीज के ऑफर में नहीं ये दिखेगा कि आप एक टीवी खरीदो उसके साथ में चार आपको मोबाइल ये मिलेंगे, रिमोट कंट्रोल मिलेंगे, नहीं मिलेगा, सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, गोल्ड बिस्किट दे देंगे आपको। आ गया है मेरे स्क्रीन पे, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ऑफर्स मिल जाएंगे, दिवाली दशहरे के ऑफर्स मिल जाएंगे, उसमें आपको गोल्ड बिस्किट्स भी मिल जाएंगी। Nonsense is going on यार, सब आज ही होना है क्या?
लेकिन उसके साथ में रिमोट कंट्रोल जो मिलेगा वो आपको केवल एक सिंगल ही रिमोट कंट्रोल उसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी महंगे से महंगे आप टीवी लेके आओ या कुछ भी दूसरा चीज लेके आओ, आपको उसके साथ वहां पे रिमोट कंट्रोल कितना मिलेगा, रिमोट कंट्रोल एक ही मिलेगा। लेकिन भगवान ने जो आपके आपको ये जो शरीर दिया है, इस शरीर के साथ हमें कितने रिमोट कंट्रोल मिले हैं, हमें टोटल 4 रिमोट कंट्रोल्स मिले हैं, 2 आपके हाथ के, 2 आपके पैरों के, जिनपे हम एडवांस एक्यूप्रेशर में हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, सुजोक से हो, TCM के मदद से हो या आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के मदद से हो। ठीक है, ये 3 मेन फॉर्म है जिसके अंडर में बाकी सारी चीजें आती हैं, आपके कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, 6 की रिफ्लॉक्सोलॉजी एंड पता नहीं जोनलॉजी या फलाना ढकाना जितने भी आते हैं, वो सारे कहाँ पे आते हैं, इन 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उस सब में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इस चीज को अच्छे से बेटरली अंडरस्टैंड करना। तो अब उस अंडरस्टैंडिंग को हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप इसकी तुलना करते हैं आपके बॉडी के ऑर्गन्स से, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैसे तुलना की जाती है, कैसे ये एनर्जीज काम करती हैं। देखिए, आप एक्यूप्रेशर सीखे नहीं सीखे, लेकिन जब भी आप एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट्स लगा रहे हैं या ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, उस समय पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ये याद रखना कि ये चीज काम कैसे करती है। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट क्या आता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन योर बॉडी एनर्जी, आपके शरीर की ऊर्जा पे काम करता है ये। अब खाना क्यों खाते हैं, ऊर्जा लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। अब पानी क्यों पीते हैं, एनर्जी लेने के लिए। अब ब्रीथ क्यों करते हैं, सांस क्यों लेते हैं, एनर्जी लेने के लिए। ये सारी एनर्जी कहाँ जाती है, आपके बॉडी में जितने भी आपके सेल्स बने हुए हैं, जितने भी आपके बॉडी सेल्स हैं, जो आपके बॉडी का सबसे छोटा यूनिट ऑफ द बॉडी, तो क्या बोलते हैं हम इसे, यूनिट ऑफ द बॉडी बोलते हैं, आपके शरीर का सबसे सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, उस हिस्से में भी जो हमारी एनर्जी बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, अभी यहां देखते हैं, व्हाट इज एक्यूप्रेशर, वो देख लिया हमने, ये क्या है एक्यूप्रेशर, क्या है एक्यूप्रेशर, ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, ट्रीटमेंट बाय एनर्जी एंड ट्रीटमेंट फॉर एनर्जी। ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की, ऊर्जा की उपचार किया जाता है, ऊर्जा का उपचार किया जाता है आपके बॉडी में, कि एनर्जी का काम किया जाता है किसके मदद से, बॉडी की एनर्जी के मदद से, बॉडी की एनर्जी के मदद से। ठीक है, बॉडी की एनर्जी से मदद किया जाता है, और किसके लिए, तो फॉर एनर्जी, तो आपके शरीर की एनर्जी के लिए। आपने देखा होगा काफी बार जो है लोग थोड़े भी बीमार होते हैं, आप उनसे फोन पे बात करते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप तुरंत समझ लेते हैं कि इनको क्या तकलीफ हुई है, इनको क्या तकलीफ हुई है, आप तुरंत आवाज से आप समझ जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा हो उसके आवाज से आप समझ जाते हैं कि अरे क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, या किसी का चेहरा देख के आप बता देते हैं, अरे आपका चेहरा आज बहुत डल लग रहा है, बिल्कुल एनर्जी नहीं फील हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, या कभी किसी को आप बोलते हैं अरे क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं तुमसे ठीक से हो रहा, तो सामने वाला बोलता है यार आज एकदम एनर्जी लेस फील हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों होता है, ये सारी चीजें क्यों होती है, ये एनर्जी लेस क्यों फील होता है, बिकॉज देयर इज अ एनर्जी जो 24/7 काम कर रही है आपके बॉडी में। आपका हार्ट जो ब्लड सर्कुलेशन करता है 24/7 पंपिंग करता है, ये क्या करता है, कैसे चलता होगा, ये एनर्जी पे चलता है। आपके घर में आपके पास अगर 2-व्हीलर है, 4-व्हीलर है, या कोई भी व्हीकल है आपके पास, आप रेलवे इंजन में बैठे हो या आप एरोप्लेन में बैठे हो,
वो सारी चीजें किस चीज पे चलती है, एनर्जी पे चलती है, नेचुरल सोर्सेस पे चलती है। ये सारी चीजों को चलाने के लिए जो गैस लगता है, जो फ्यूल लगता है, ये गैसेस कहाँ से आती है, फ्यूल्स कहाँ से आते हैं, इट्स ऑल अ नेचुरल थिंग। ये सारे नेचुरल चीजें हैं जो नेचर में से निकाली जाती हैं। कहीं समुन्द्र के अंदर खड्डे खोद के निकाले जाते हैं, कहीं बालू के अंदर खड्डे खोद के निकाले जाते हैं, लेकिन ये सारी क्या है, नेचुरल चीजें। इसी तरीके से आप जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, इन सारी चीजों से, हम जो सांस लेते हैं, इन सारी चीजों में से जो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलती है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या है, विटामिन डी। तो धूप में आप बैठोगे नहीं तो नहीं मिलेगा, कोई भी मेडिसिन आपके बॉडी की विटामिन डी को नहीं कवर कर सकता। आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हो, आप हॉलीवुड के सिनेमाज या कोई आप सीरियल्स भी देखते हो, तो उसमें भी आप देखते हो कि उसमें दिखाते कि वो लोग क्या करते हैं, जब बीच पे जाते हैं तो सारे कपड़े निकाल के उसमें लोशंस लगा के सनलाइट की तरफ पीठ करके सो रहते हो लोग, क्या करते हैं, पागल लोग हैं, कपड़े उतार के सो गए, पिछ गए वहां पे। ये क्या कर रहे हैं, बॉडी में विटामिन डी ले रहे हैं, खुद की स्किन को टोन करने में लगे हैं वो लोग। उनको पता है स्किन जितनी ज्यादा टोन होगी उतने ज्यादा वो सेफ रहेंगे, उतने ज्यादा इंटरनली वो सेफ रहेंगे। हम लोगों का दिमाग इतना खराब कर दिया है मार्केटिंग एजेंसीज वालों ने हमको बता बता के कि आप जितना ज्यादा फेयर एंड लवली लगाओगे और आप जितने ज्यादा गोरे और फेयर दिखोगे उतने ज्यादा आप अच्छे रहोगे और ये सुंदर रहोगे। सिर्फ गोरी चीज, सिर्फ सफेद चीज सुंदर नहीं होती, सुंदरता यहाँ भरी होनी चाहिए, यहाँ भरी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ ऊपर का आडंबर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप बाहर निकल जाओ, आप एक भी इंसान नहीं देखोगे जो जिसने ये सारी चीजें यूज की है और उसके रंग में फर्क पड़ गया है, कैसे पड़ेगा। आपकी स्किन हर 7 दिन बाद चेंज होती है, आफ्टर एवरी 7 डेज देयर इज अ न्यू स्किन। तो जो लोशन आप पिछले 20 साल से भी लगा रहे हो, आप गोरे नहीं होने वाले। एक बंदा या एक बंदी पकड़ के दिखाओ मेरे को आप, जिसने ये लगाया और वो गोरा हो गया। आपका स्किन का, आपके दांतों का, आपके ब्लड का, आपके हेयर्स का जो कलर होता है वो नेचुरल होता है। वो आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ के वेदर के हिसाब से, वहाँ के कंडीशंस के हिसाब से होता है। आपकी बॉडी का किस तरह से उसे बढ़ना है, क्या उसकी जड़न गड़न होनी है, क्या उसका कॉन्ट्रीब्यूट होना है, उस हिसाब से ही आपकी सारी चीजें होती है। आपका गोरा होना, काला होना, सांवला होना, ये डिपेंड होता है। हम हिंदुस्तानी लोग, हम लोग गहुवर्णीय हैं, जो भी एशियंस हैं वो सारे को ऐसे गहुवर्णीय है। यहाँ पे काफी लोग पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, आप लोग भी कैसे हो, आपके इनके रंगों में फर्क मिलेगा, लेकिन इंसान ही है सब। वो भी जो फॉरेनर भी जो सोया हुआ है बालू पे, वो भी इंसान है। लेकिन चीज क्या है कि आप सनलाइट में से भी विटामिन डी लेते हो, तो ये भी क्या है, ये आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। साउथ इंडियन अलग दिखेगा, महाराष्ट्र में का पूरा मुंबई का आदमी अलग दिखेगा, साउथ आप थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जाओगे अलग होगा, नॉर्थ वाला अलग होगा। तो जोन वाइज, एरिया वाइज पहाड़ी लोग अलग दिखेंगे, हाइट अलग होगी। सरदार 6.5-7 फीट का ही मिलेगा आपको, लेकिन कोई पहाड़ी आदमी 6.5-7 फीट का नहीं मिलेगा। वो लोग छोटे छोटे होते हैं, जो आपके गोरखाज होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो हाई हील्स पे रहते हैं वो छोटे ही होते हैं। वहां पे गाय भैंसे नहीं दिखेंगे आपको, बकरियां दिखेंगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे टॉप टॉप तक पहुंच रही है। तो ये क्या है, हर एक नेचर के हिसाब से, हर एक जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से आपके शरीर में वो चीजें होती है, वो वैसी होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सारा का सारा एनर्जी का है। आपके शरीर में आने वाली कोई भी बीमारी क्या है, आपकी एनर्जी के डिसबैलेंस के वजह से आती है। एनर्जी बढ़ेगी तो भी बीमारी आएगी, अति सर्वत्र वर्जित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। एनर्जी का डिसबैलेंस, एनर्जी रेज होगी बढ़ेगी तो भी बीमारी आएगी, एनर्जी डिफिशियंट होगी कम हो रही है, जरूरत जितनी है उससे कम एनर्जी लोगे आप तो भी बीमारी ही होगी। बीमारी आई है तो एनर्जी की डिफिशियंसी है, बीमारी ठीक कैसे होगी, उस एनर्जी की डिफिशियंसी को बैलेंस करेंगे। एक्सेस है तो उसको कंट्रोल करके बैलेंस करते हैं, डिफिशियंट है तो उसको कंट्रोल करके बैलेंस करते हैं। तो ये क्या होता है, ये बैलेंसिंग सिस्टम पे चलता है पूरा पूरा। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट या जो भी आप करते हो, कि आप रेकी करते हो या आपकी प्राणी किलिंग करते हो, आप जो भी करते हैं, एवरीथिंग वर्क्स ऑन एनर्जी।
यहाँ पे साइंटिफिकली विद द मशीन्स ये प्रूव्ड है कि ये एनर्जी पे काम करते हैं। तभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया है कि एक्यूप्रेशर कोरोना पे बहुत अच्छा इफेक्टिव मेडिसिन के तौर पर देखा जा रहा है। चाइना में तो पता नहीं कितने सारे पेशेंट्स उन्होंने सिर्फ एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर से ठीक किया है, सिर्फ नीडल्स लगा लगा कर। पिछले 3 महीने में हमने पता नहीं कितने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट सिर्फ कलर डॉट्स बताए हैं, 3 डॉट्स लगाने हैं आपको, सिर्फ 3 कलर डॉट्स की मदद से आप उनको ठीक कर रहे हो, आप आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रहे हो। अगर कोरोना हो भी जाता है तो उससे भी फाइट करने में वो मदद कर रहा है। 3 की जगह 4 पॉइंट हो जाता है, 1 पॉइंट बढ़ जाता है, कलर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव थिंग। कैसे काम करता है, क्या करता है इफेक्ट, इसका हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। अभी इफेक्ट ऑफ एक्यूप्रेशर समझ लिया क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। सबसे नीचे, सबसे पहला, सबसे नीचे वाला कौन सा हिस्सा आता है इसमें, रिफ्लॉक्सोलॉजी आती है। व्हाट इज अ रिफ्लॉक्सोलॉजी, आपने देखा होगा हाथ ऐसे सिर्फ दबाया जाता है, एक चार्ट भी मिल जाएगा आपको गूगल पे, इजिली अवेलेबल होता है, सिर्फ चार्ट देखना है आपको, लोकेशन देखने हैं, प्रेस करने हैं, दैट्स इट, रिफ्लॉक्सोलॉजी। लेकिन ये भी कैसे काम करती है, इट्स ऑल्सो वर्क ऑन एनर्जी सिस्टम, ठीक है। इसी में आप धीरे 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 बढ़ते जाते हो एडवांस की तरफ, सुजो, फिर TCM, फिर आयुर्वेद, फिर उसमें और माइक्रो और माइक्रो और माइक्रो होते जाते हैं। देखिए बीमारियां आपकी बढ़ रही हैं, बीमारियां आपकी बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो जैसी बड़ी बीमारी होगी वैसे स्ट्रॉन्ग आपको ट्रीटमेंट्स भी चाहिए। इसको उसी चार्ट के हिसाब से लगाया गया है, ठीक है। तो उसमें सुजो आ जाता है, सुजो में क्या क्या आता है आपका, इसमें आता है आपका प्राइमरी करेस्पॉन्डर सिस्टम आती है, स्टैंडर्ड करेस्पॉन्डर सिस्टम आती है, डीप करेस्पॉन्डर सिस्टम्स आती हैं, ड्यूअल मैग्नेट से की जाने वाली ट्रीटमेंट्स इसमें आती हैं, TCM आता है, TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिक मेडिसिन कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसे चाइनीज, क्योंकि हमने छोड़ दिया है, वी डोंट यूज चाइनीज, ना हम चाइनीज प्रोडक्ट्स से यूज करते हैं चाइनीज चीजों का। अब आप कहोगे तो TCM है चाइनीज वाला, नहीं, इसका बेस पूरी तरह से भारतीय है। जब आप लोग TCM रखना स्टार्ट करोगे वहां पे आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, या भी फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो आप बोधि ब्रह्मा करके एक मॉन्ग थे जो इंडिया से गए थे चाइना, जहाँ पे उन्होंने जाके एक्यूप्रेशर को किस तरह से फैलाया, कैसे एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर हुआ, कैसे वो मार्शल आर्ट्स हुए, कैसे वो शावलिन टेम्पल में चेंज हुआ, वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में हमारे 6 बज गए हैं, हाँ 6 बज चुके हैं, ये हमारा शायद आज का लास्ट सेशन था। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक थोड़ा 10 मिनट आप लोग वापिस आ जाएंगे तो थोड़ा और मुझे आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैं, वो थोड़ा हम कंप्लीट कर लेंगे।